उज्जैन की तराना में सूर्य ग्रहण के साथ ठंड ने दी दस्तक, कोहरे की चादर में लिपटा पूरा शहर। साथ ही साल 2019 में तीसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को दिखाई देने को पड़ा। हालांकि पिछले दो दिनों में सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई न दिए थे। भारत में दिखाई देने के कारण सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक मान्य होगा। 99 इंडिया न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अर्पित बोड़ाना, आज हम खड़े हैं अहिल्या की नगरी तराना में, तराना विधानसभा में हम खड़े हैं आज। तराना आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कोहरे की चादर में पूरा शहर लिपटा हुआ है। तो कहते हैं कि सर्द हवा ने मुँह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा। सर्द हवा ने मुँह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा। और चारों चंद्र की चंचल किरणें फैल रही है जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि अंबर तल में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तराना विधानसभा की। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ठंड ने ठिठुरन बढ़ी है और कोहरे ने अपने पूरे शहर को लिपटा हुआ है। किस तरीके से अपने शहर पूरा लिपटा हुआ है, अपनी चादर में लपेटे हुए, और इसी बीच आज सूर्य ग्रहण भी देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना माना जाता है, वैज्ञानिक अनुसार खगोलीय घटना है। इसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसमें कारक माना गया है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसको कारक माना गया। और इसी बीच देख सकते हैं यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण साल में 3 बार देखने को मिलता है। पहला सूर्य ग्रहण 6 जनवरी को देखने को मिला था, इसी बीच दूसरा सूर्य ग्रहण 2 जुलाई को देखने को मिला था, और इसी बीच आज 26 दिसंबर को देखा गया है। और ये इसका असर कई दिनों तक इसका असर रहता है। कैमरामैन दीपक सिंदर के साथ अर्पित बोड़ाना की खास रिपोर्ट।